बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोमिनीन और मोमिनात, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र करबला के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू मौला के जहाँ बाज जहाँ नसारों उनके नासरीन और अहसाब बावफाओं के मतलब हो रही है। पिछली वीडियो में जनाब हबीब इबन मुजाहिर और जनाब अब्दुल्ला बिन सईद की शहादत का जिक्र आपसे किया। आज की वीडियो में इंशाल्लाह जनाब जुहैर बिन कैन की शहादत का जिक्र किया जाएगा। इससे पहले कि जनाब जुहैर की शहादत का जिक्र करूं, चूँकि ये जहर के बाद शहादत हुई है जनाब जुहैर इबन कैन की, तो कुछ वाक़यात नमाज जहर का पिछली वीडियो में मैंने आपसे मुकम्मल उसका अहवाल बयान किया था कि किस तरह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज जहर अदा की और कैसे जनाब जुहैर बिन कैन और जनाब अब्दुल्ला बिन सईद ने अपने इमाम की हिफाजत की, और इस कावश में जनाब अब्दुल्ला जनाब सईद बिन अब्दुल्ला शहीद हो गए। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में एक में ये भी जिक्र किया था कि जब मौला के चंद सिपाही मैदान कारजार में गए और मौला का जो भी जाँबाज जाता था वो सैकड़ों के हिसाब से इन मलऊनों को वासिल जहन्नम कर देते थे। इस तरह से फौज यजीद में बददिली फैलने लगी और उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया और पिसरे साद ने अपनी फौज से कहा भी कि अगर एक के मुकाबले में एक भेजते रहोगे तो इस तरह तो ये सारी फौज हमारी ख़त्म कर देंगे और ना ही इस जंग का कभी इख्तिताम होगा। तो अब हुसैन की तरफ से जो भी आए मुकाबला करने के लिए तो यकबारगी सैकड़ों के हिसाब से फौजी उस पर हमला कर दो। ये भी करके देख लिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी जिनके ज़िक्र मैंने पहले वीडियोस में किए हैं, मौला के असहाब के जनाब हलाल बिन नाफे हूँ, जनाब हबीब इबन मुजाहिर हूँ, जनाब वहब कल्बी हूँ, उन्होंने सैकड़ों मलूनों को कत्ल किया। तो जब मुबारदा तलबी वाला मुआहदा तोड़ के यकबारगी हमला करने की कोशिश की गई तो इसमें भी वो सैकड़ों की तादाद में कत्ल होने लगे। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मौला की तरफ थे वैसे भी वो दुनिया के नायाब तरीन अशखास थे, उनका किसी पे कयास नहीं किया जा सकता। लेकिन मौला पे जान कुर्बान करने का और मौला के दुश्मनों को वासले जहन्नम करने का उनके अंदर जज्बा ही ऐसा था कि उसकी कोई ना मिसाल दी जा सकती है ना उसको किसी तौर समझा जा सकता है। ये कोई अफसानवी किस्सा नहीं है, ये हकीकत है, करबला में ऐसा हुआ है। वैसे तो अमूमी तौर पर अगर तलवार तीर की जंग हो तो कोई एक बंदा दो को या दो से ज़्यादा बंदों को कत्ल कर दे तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा है, अगर दस को मार दे तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन मौला का जाबाज तो जो भी जाता था वो तो सैकड़ों के हिसाब से कत्ल करते थे। तो उसकी वजह इन लोगों का एक तो आम इंसानों से मुनफरिद होना, फिर उनके अंदर जो मार्फत की वजह से जज्बा था, बेशक वो प्यासे थे भूखे थे कई रातों के जागे हुए थे लेकिन अपने इमाम पे जान कुर्बान करने का शौक और इमाम के दुश्मनों को कत्ल करने का शौक उन्हें इस चीज़ पर ममेज करता था। दूसरी तरफ हाल ये था कि जितने भी आए हुए थे वो किराए के टट्टू थे, वो तो सारे जीना चाहते थे और इनाम के लालच में आ गए थे। फिर एक और चीज़ जिस चीज़ ने उनको घमंड में डाला हुआ था न सिर्फ आम फौजियों को बल्कि उनके सरदारों को भी, कि जब वो अपनी तादाद देखते थे और उस तादाद को देखकर बहुत सारे बदबख्त उसमें शरीक हो गए और उनका जंग शुरू होने से पहले ये ख्याल था कि कहाँ लाखों का लश्कर और कहाँ वो जो 100-200 हैं या 72 हैं, यानी जो तारीख़ में मिलता है हमें कि मौला के जो शहदा हैं
शहदाए करबला, उनकी तादाद कम से कम 72 है और ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 325 लोग हैं जो शहीद हुए हैं मौला के साथ मिलकर करबला के मैदान में। अब अगर 300 भी हों तो 300 और लाखों का क्या मुकाबला है, लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसी जंग लड़ी करबला में कि एक तो हैरान भी हुए मुखालफ फौज वाले, दूसरा परेशान भी हो गए। अब जब उनका ये हमला एक बंदे पे सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाला ये हरबा भी नाकाम हो गया, तो अब उन्होंने फिर मीटिंग की और ये तय पाया कि ऐसा करते हैं कि सारी फौज हुसैन के सिपाहियों पर, हुसैन के असहाब पर हमला कर देते हैं, इनके खयाम जला देते हैं। तो ये मशवरा पास होने के बाद पहला हमला जो किया गया मौला की सिपा पे, उसमें उमरू बिन हुजाज जुबैदी और इब्ने साद ने ये मशवरा किया, एक तरफ का सरदार बनाया शिमर को, एक तरफ ये उमरू बिन हुजाज जुबैदी मलून बना। ये घोड़े लेके आगे बढ़े, इन्होंने हमला किया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मेमना के लश्कर के मेमना जो होते हैं दाएं तरफ का, उसके सरदार जनाबे ज़ुहैर बिन कैन थे। और जब तक मौला के ये असहाब मौजूद रहे हैं, जनाबे ज़ुहैर बिन कैन, जनाबे मुस्लिम बिन असजा, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर, तो इनकी एक ख़ास दरख्वास्त थी अपने इमाम से कि मौला ना सिर्फ आप बल्कि कोई हाशमी जवान भी आगे नहीं आएगा, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में आपको या आपके जवानों में से किसी को कोई ज़ख्म आए। तो जनाब ज़ुहैर बिन कैन ने असहाब इमाम से कहा कि सवारियों से उतर और नेज़े पकड़ लो हाथों में। तो यह तारीख़ में है कि अरबों ने पहले ये तरीका न कभी देखा था न सुना था, क्योंकि कोई भी बंदा घुड़सवारों के सामने अपनी सवारी से उतर कर लड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकता था। लेकिन ये जनाब ज़ुहैर बिन कैन, क्योंकि बड़े मशहूर जंगजू थे वो, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि इनके घोड़ों को नेज़े मारो। इससे ये हमला पसपा हो गया, वो मैदान छोड़कर भाग गए। फिर जाके दोबारा आपस में मशवरा किया, शिमर ने जाके पिसरे साथ से कहा कि इस हमले की पसपाई का सारा जिम्मा इस इब्ने हुजाज पे है, उमर बिन हुजाज जुबैदी पे उसने सारा मलबा डाल दिया और कहा कि अब मुकम्मल कमान मुझे दो, मैं अभी तुम्हें ये फतह करके देता हूँ। उमर बिन हुजाज जुबैदी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा, तुम्हारे हुक्म की तामील करूँगा। दोबारा हमला किया गया तो इस हमले को जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने बहुत कामयाबी से पसपा कर दिया। ये फौज फिर भागने लगी, जब भागे तो बहुत सारे मलहूनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने फिर कत्ल किया, उन्हें वासले जहन्नम किया। दूसरे हमले की नाकामी के बाद अब फौज यजीद में बददिली और फैलने लगी, तो उरवा बिन कैस मलहून ने उमर साद से कहा कि ये उमरू बिन हुजाज जुबैदी और शिमर दोनों बुजदिल हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कि हुसैन के लश्कर में कैसे कैसे जवान हैं, ये हमने सारा लश्कर हाशमियों से लड़ने के लिए इकट्ठा किया था और खसूसी तौर पर सफीन वाले से हमने इन सब को लड़ाना था, तुम तो इन्हें असहाब हुसैन से ही मरवा दोगे। अलामा कज़वेनी रियाज़ुल अज़ान में लिखा है कि ये हमला जो उरवा बिन कैस मलून ने एक कसीर लश्कर लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज पर किया, ऐसा शदीद हमला इससे पहले किसी ने अरबों में न देखा था न सुना था। शिमर और ये दूसरा मलून उमरू बिन हुजाज जुबैदी भी इसकी मदद कर रहे थे। जब उरवा बिन कैस मलून के मशवरे से उमर साद ने सारी फौज को हुक्म दिया जो प्यादे थे और घुड़सवार थे
कि ख़याम हुसैन पर और असहाब हुसैन पर हमला कर दो, इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा सहाबा ने फिर जहाँ फशानी से उनका मुकाबला करना शुरू किया। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह मंज़र देखा और सारी फ़ौज को यकबारगी अपने असहाब की तरफ आते देखा, तो पहली दफ़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई कमरे बनी हाशिम से कहा कि अब्बास, मेरे ये बावफा सहाबा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, ये घिर ना जाएं फौज मुखालफ में। अब्बास, अब तुम हाशमी जवानों को लेकर जाओ और तुम भी इनकी मदद करो। पहली दफ़ा सरकार वफा अपने अशल घोड़े पर सवार हुए और मैदान में निकले। पता नहीं सफीन में इस मौला के भाई ने कैसी जंग की थी कि वो शाम और कूफा के सब लोगों को याद था। जैसे ही अब्बास मैदान में आए तो तमाम लोग, बावजूद इसके कि उन्हें शिमर ये उमर बिन हुजाज, जुबैदी और उमर साद आवाज़ें देते रहे, लेकिन सिर्फ अब्बास को आता देखकर सारी फौज मैदान से भाग गई। हाशमी जवानों को और असहाब हुसैन को इस तीसरे हमले में जंग भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हजरत अब्बास अलमदार का जाना ही काफ़ी हुआ। मौला हुसैन के असहाब बावफा हजरत अब्बास अलमदार और हाशमी जवान वापस आ गए। अब फौज मुखालफ का और मोराल गिर गया। उमर साद ने कहा कि अब क्या किया जाए, सारे एक दूसरे को ताने दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, दूसरा दूसरे को कहता था तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। उमर साद ने कहा कि एक दूसरे को ताने मत दो, इस मसले का हल सोचो। हम तो ये सोच चुके थे सुबह कि ये एक पहर का काम है, बल्कि उससे भी कम, कि हम हुसैन, उसके असहाब, उसके हाशमी जवानों और उसके ख़याम को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन ये जंग तो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। तो इस मौके पर असीन बिन नमीर मलून और पिसरे अशस ने ये मशवरा दिया कि हमें किसी को भी इनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके नज़दीक जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। तो अब इसका हल ये है कि अपने पत्थरबाज लश्कर और तीर अंदाजों से कहा जाए कि दूर से इनको तीर मारे जाएं। तो ये चौथा हमला था जो पत्थरों और तीरों से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और उनके ख़याम पे किया गया, और इसमें शिमर मलाऊन बेहया ने यह मशवरा दिया कि जिस वक्त हुसैन, इस असहाब हुसैन और बनी हाशिम के जवान हमारे साथ जंग में मसरूफ़ होंगे, तो उस वक्त जाके हुसैन के ख़याम को आग लगा दी जाए। इधर हाशमी नौजवान और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब, इन मलूनों की तरफ से आने वाले तीरों और पत्थरों का मुकाबला कर रहे थे। उधर शिमर के कुछ लोग शिमर की क़ियादत में ख़याम के नज़दीक आने लगे ताकि ख़याम को आग लगाई जा सके। जब यह मंज़र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो अपने असहाब और हाशमियों से कहा कि इन हरामजादों को ख़याम से दूर करो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने असीन बिन नमीर, शिमर मलऊन और हुजाज जुबैदी पर अरसा हयात ऐसे तंग किया कि न सिर्फ ये तीरों की बारिश रुक गई, बल्कि वो जो ख़याम को जलाने के लिए आए थे उन्हें भी वापस भागना पड़ा। ये चौथा हमला पसपा होने के बाद बाकी के वाक़यात पिछली वीडियो में जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शहादत वाली वीडियो में मैंने बयान किए थे कि फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने पिसरे साद को पैगाम भेजा जनाब हबीब के ज़रिए कि अब जंग को मौकूफ करो नमाज के लिए, ताकि हम नमाज अदा कर सकें। वो फिर सारे वाक़यात आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शहादत तक, जनाब हबीब के शहीद होने के बाद जनाब जुहैर बिन कैन का
تعلق کوفہ سے تھا، زہیر ابن کین ان کا نام تھا، بجلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی سفر امام حسین علیہ السلام کی جو ویڈیوز ہیں ان میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب زہیر بن کین پہلے کسی اور مسلک پر تھے، پھر مولا حسین علیہ السلام نے منزل ذو حسم پر یا اس سے پہلے والی منزل پر جناب زہیر بن کین کو اپنے پاس بلایا، اور جناب زہیر کے ساتھ اپنے خیمے میں جو مولا نے گفتگو کی وہ تو کسی نے نہیں سنی، وجہ جناب زہیر بن کین کو پتا ہے یا مولا کو پتا ہے. بہرحال اس کے بعد جناب زہیر اتنے قریب ہو گئے مولا کے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یوم عاشور جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے مولا کی نماز کے وقت مولا کے آگے کھڑے ہو کے تیروں اور پتھروں کی بارش کو روکا. جناب زہیر بن کین مولا حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر میدان میں آئے، اور میدان میں آ کر جناب زہیر بن کین نے بہت خوبصورت رجز پڑھا. فوج اشکیا کو مخاطب کر کے جناب زہیر ابن کین فرماتے ہیں انا زہیر وانا ابن الکین ازردکم بالسیف ان حسین انا حسین احد السبتین من اطرت بر التقی الزین ذاک رسول اللہ غیر المین ازربکم ولاری من شین ما لیت نفسی قسم تو قسمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہیر بن کین فرماتے ہیں کہ میں تلوار سے حسین کی حفاظت کروں گا اور حسین کی طرفداری کروں گا، انا حسین احد السبتین، کیونکہ حسین رسول اللہ کے دو نواسوں میں سے ایک ہیں اور یہ رسول اللہ کی عترت زکی ہیں، اور رسول اللہ کو یہ بات بہت پسند آئے گی، اور میں تم پر جو ضربے لگاؤں گا اس پر مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں نے دو قسمیں اٹھائی تھیں ان میں سے ایک قسم اپنی یہ پوری کروں گا. جب جناب زہیر میدان میں آئے اور آ کر حملہ کیا، اس سے پہلے بھی اس حملے سے پہلے وہ بہت ساری جنگ کر چکے تھے، ان حرامزادوں کو بہت دفعہ اپنے جنگ کے جوہر دکھا چکے تھے، لیکن خصوصی طور پر جنگ کی اجازت لے کر جب میدان میں آئے تو جناب زہیر نے جو حملے کیے اس میں ابن ابی طالب کی روایت کے مطابق 120 حرامزادوں کو جناب زہیر بن کین نے جہنم میں پہنچایا، اور بالآخر جناب زہیر چونکہ اب اس کے بعد پہلے دو تین شہیدوں کے بعد ان کا پکا یہ پلان بن چکا تھا فوج یزید کا کہ کسی بھی حسینی سپاہی کے نزدیک نہیں جانا، کیونکہ ان کے نزدیک جاؤ گے فوج کم ہوتی جائے گی، تو وہ دور سے پتھر اور تیر مارتے تھے. اسی طرح انہوں نے جناب زہیر بن کین کو زخمی کیا تیروں اور پتھروں سے. جناب زہیر جب زین سے زمین پر آئے تو دو حرامزادوں نے، یہ دو قاتل ہیں جناب زہیر بن کین کے، ایک کا نام ہے کثیر بن عبداللہ شابی اور دوسرا وہ اوس بن مہاجر، یہ وہی ہے جس نے جناب حر علیہ السلام سے کہا تھا کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ عراق میں سب سے بہادر کون ہے تو تم ہی ہو، تو یہ حرامزادہ کثیر بن عبداللہ کے ساتھ مل کر اس نے جناب زہیر بن کین کو شہید کیا. دونوں نے اپنی تلواروں سے جناب زہیر بن کین پر
ज़रबें लगाईं जब वो घोड़े से ज़मीन पर आए। और जनाब ज़ुहैर बिन कैन की शहादत के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युबादुल्लाह या ज़ुहैर वला ना कातल का लमन अल्लज़ीना मसख़रा अफ़रदा व खनाज़ीर। मौला फरमाते हैं, ज़ुहैर खुदा तुम्हें कभी मुझसे दूर न करे और तेरे कातल पर इस तरह लानत करे जिस तरह उन लोगों पर की थी जो बंदर और खनाजीर की शक्ल में मसख हो गए थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ुहैर बिन कैन की शहादत के बाद फरमाया, वल्ला इस करबला के सहरा में मेरे दो बाजू हैं और एक मेरी कमर का जोर है। मेरा दायां बाजू ज़ुहैर बिन कैन था, मेरा बायां बाजू हबीब इब्ने मुज़ाहिर था, और मेरी कमर का जोर मेरा भाई अब्बास है। तो जब जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर शहीद हो गए और उनके बाद जनाबे ज़ुहैर बिन कैन शहीद हुए, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत गिरिया किया जनाबे ज़ुहैर बिन कैन की शहादत पे और फरमाया, हबीब और ज़ुहैर तुम दोनों के जाने के बाद मेरे दोनों बाजू कट गए हैं। मोमिनीन मोमिनात, जनाब ज़ुहैर बिन कैन की शहादत का तज़करा आपने सुना और जनाब ज़ुहैर बिन कैन की सबका ज़िंदगी और फिर जनाब ज़ुहैर बिन कैन का खुशकिस्मत साबित होना और सिपाही हुसैनी में शामिल हो जाना ये आपने सुना। जनाब हुर बिन यजीद रिहाई, उनके भाई, उनके ग़ुलाम और उनके बेटे का किस्सा भी सुना। इसी तरह और भी काफ़ी सारी शख्सियात हैं जिनकी किस्मत ने यावरी की और वो लश्कर शैतान से निकल कर लश्कर रहमान में शामिल हो गए। अब चूंकि इस वीडियो में ज़िक्र जनाब ज़ुहैर बिन कैन का हुआ है तो मैं आपको एक और खुशकिस्मत तरीन इंसान का एक वाक़या सुनाता हूँ, उनकी जंग का तस्करा और उनकी शहादत। और ये ज़ोहर के बाद वाक़या पेश आया करबला में। साहिब रोज़तुल शुहदा ने लिखा है कि ये दोनों लश्कर जनाब ज़ुहैर बिन कैन की शहादत के बाद इस इंतज़ार में थे कि अब किस तरफ से कौन आता है मुबारज़ा तलबी के लिए या जंग के लिए, कि अचानक कूफा की तरफ से एक घुड़सवार आता हुआ नज़र आया। वो इस शहाना अंदाज से रहा था और उसका घोड़ा इस तरह से आ रहा था कि दोनों लश्कर रुक गए उस जवान को देखने के लिए। अचानक वो जवान मैदान के दरमियान आया। साहिब तारीख ने लिखा है कि वह ज़ोहरा और मुरीख की तरह चमक रहा था, सर पर खूबसूरत खोद लगाए था, एक लंबा नेज़ा उसके हाथ में था और बहुत खूबसूरत कमान और तीरों से भरा हुआ एक तरकश कांधे पर लटका रखा था। उसने एक यमनी तलवार उठा रखी थी जिसे जहर आलूद कर रखा था। वो घराते हुए मैदान के वस्त में आके खड़ा हुआ और दोनों तरफ के लश्करों को मुखातब करके कहा कि ऐ लोगो, जो मुझे जानता है वो तो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरा नाम हाशिम बिन उतबा बिन वकास है। हाशिम बिन उतबा बिन वकास, मैं साद उमर बिन साद का चचाजाद भाई हूँ, मैं साद बिन अबी वकास का भतीजा हूँ और ये जो मुनाफिक इस वक्त फौज यजीद में खड़ा है ये मेरा चचाजाद भाई है। अपना तारुफ कराने के बाद ये घोड़ा लेकर आए खयाम हुसैन के करीब और कुछ फासले पर ही अपने घोड़े से उतर गए और मैदान में खड़े होकर कहा, अस्सलाम अलैका यबना रसूल अल्लाह। मौला को सलाम करने के बाद
ये हाशम बिन उतबा मौला के करीब आया, आके मौला के कदमों पे हाथ लगाया और इसने आके अर्ज़ की कि यबना रसूल अल्लाह, ये बेगैरत और बेहया शख्स जो मेरे चचा का बेटा है, ये उस रात मुझसे मशवरा करने आया था कि मुझे अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद ने कहा है कि तुम्हें रह की हुकूमत मिलेगी। मैं खुश था। फिर उन्होंने अब एक शर्त ये रख दी है कि तुम करबला जाओ और हुसैन को कत्ल करके वापस आओ, तब हुकूमत मिलेगी। मौला, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की कि इस हुकूमत को रहने दे और रसूल अल्लाह के बेटे के खून से अपने हाथ रंगीन न कर, वरना ताबा अब्द तू जहन्नम में चला जाएगा। इसने मेरा मशवरा नहीं माना, ये लश्कर लेकर आपसे लड़ने के लिए आ रहा। ये जब यहां आ गया तो मैं पीछे बहुत अजीब कश्मकश में था। उमर साद को ना समझा सकने पर मुझे बहुत अजियत हो रही थी और मैं ये भी सोच रहा था कि आपके साथ तो बहुत कलील लोग हैं, लेकिन बस ये खुदा ने मुझ पे मेहरबानी की है कि रात से ही मेरे दिल में ये आ गया था कि किसी भी सूरत पर मुझे जाके हुसैन इब्ने अली की नुसरत करनी चाहिए। और मौला मुझे इजाज़त दें कि मैं एक दफ़ा इनको समझाऊं भी और मैं इनसे जंग करने जाता हूँ। मौला करीम से इजाज़त मिलने के बाद हाशिम दोबारा मैदान में आए। ये जनाब हाशिम बिन उतबा मैदान में आके फिर खड़े हुए और फौज अश्किया को मुखातब करके कहा, वो शाम व कूफा के बेहया और बेगैरत लोगो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इब्ने समिया की थोड़ी सी दुनियावी दौलत की लालच में आकर इब्ने फातिमा के कत्ल के लिए तैयार हो गए हो? फिर जनाब हाशिम बिन उतबा ने कहा कि ऐ लोगों, मुझे तुम में से किसी से कोई गर्ज नहीं है, मेरा मुखातब सिर्फ मेरा चचाजाद है। और उमर साद को मुखातब करके कहा कि उमर साद, तुझे राय की हुकूमत चाहिए और तू कत्ल हुसैन के लिए ये कसीर लश्कर लेके आया है, और बुजदिल अगर तुझ में इतनी ताकत है तो अकेला निकल और आके मेरा मुकाबला कर। जब उमर साद ने ये मुबारजा तलबी हाशिम से सुनी तो घबरा गया, क्योंकि वो उसका चचाजाद भाई था और जानता था कि बहुत शुजा और बहुत अच्छा शमशीर जन है हाशिम। तो उमर साद ने घबरा कर अपने मशीरों को बुलाया। उमर बिन साद ने अपने मशीरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया और कहा कि ये नौजवान मेरा चचाजाद है, इसके मुकाबल जाना मेरे लिए मसलत से खाली नहीं। तुम में से कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, इसका सर कलम करे और मेरे दिल को शिफा दे? उमर साद की यह बात सुनकर उसके साथ जितने भी कूफा के लोग थे वो सब चूंकि हाशिम को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने इसके मुकाबले में आने से इनकार कर दिया। आखिर इनमें से एक शख्स था, अमीर हलब समान बिन मुकातल। ये अपना 1000 लश्कर लेकर, ये दमिश्क के करीबी एक इलाके का था, 1000 घुड़सवारों के साथ ये इब्ने ज़ियाद की मदद के लिए आया था और इसे यजीद ने ख़ास तौर पर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए ये ख़ास 1000 घुड़सवार दिए थे कि तुमने लड़ना है अली के बेटे से। जब हाशिम बार बार मुबारजा तलबी कर रहे थे और वो कूफा और शाम के इन फौजों को मुखातब करके उन्हें बुजदिल बेगैरत और बेहया होने के ताने दे रहे थे, तो इससे तंग आकर फिर आखिर इब्ने साद ने समान बिन मुकातल से कहा कि तुम अपना ये 1000 का लश्कर लेकर इसके मुकाबले में जाओ। ये हरामजादा मैदान में आया और इसने आके जनाब हाशिम से कहा कि ए नौजवान, तेरे चचाजाद को इब्ने ज़ियाद से क्या बुराई पहुंची है,
अब तो रय और तबरिस्तान की वलायत उसी के नाम है, और ये उमर बिन साद पूरे लश्कर का सालार है। इस चचाजाद को छोड़ दिया है और हुसैन से जा मिले हो, जिसके पास न हुकूमत है, न मकाम है, न उसके पास दुनिया की कोई दौलत है। पस दौलत तो दुनिया से मुंह न फेरो और अपने बख्त पर लात न मारो। हाशिम ने कहा है, बदबख्त, तू इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को दौलत समझता है और इस बेएतबार दुनियावी वकार को बख्त का नाम देता है, हालांकि न दौलत काबिल एतबार है और न इसके बख्त और इकबाल को दवाम है। ऐ समान, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, ज़रा इंसाफ करो और बहिश्त की हमेशगी की नेमतों को इस मुर्दार दुनिया पर से तरजीह दो। ये दुनिया कुत्तों की गजा है, इसे छोड़ दो और फर्जंदे मुस्तफ़ा की खिदमत में आ जाओ और रज़ाए इलाही और सआदत सरमदी की दौलत हासिल करो। समान को ये बातें सुनकर गुस्सा आया और कहा, ऐ हाशिम, तुम्हें ना अपने चचा जात की शर्म है और ना इब्ने ज़ियाद को खातर में लाते हो, तुम मगरूर हो चुके हो और हुसैन की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। हाशिम ने कहा, मैं इब्ने ज़ियाद पर लानत करता हूँ जिसने मेरे चचाजाद को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उमर बिन साद ने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया है। मैं बुलंद हिम्मत हूँ, दुनिया को आखरत के बदले कुर्बान करता हूँ, फ़ानी को ज़ाया करता हूँ और बाकी को महफूज रखता हूँ। ये फ़ानी दुनिया जिस पर तुम फ़ख्र करते हो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और तुम अजाब अजीम में गिरफ्तार हो जाओगे। समान फिर कोई बात करना चाहता था कि हाशिम ने गजबनाक हो के उसे ललकारा कि तुम मुजादला करने आए हो या मुकाबला करने। फिर समान पर हमला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे पर नेजों से वार किया। फिर हाशिम ने नेजा फेंका और तलवार उठाई और समान के सर पर मारना चाही तो समान ने हाशिम के सीना की तरफ नेजा सीधा किया। हाशिम ने तलवार की पुश्त नेजा पर मारी, नेजा समान के हाथ से गिर पड़ा। वो तलवार मारना चाहता था कि हाशिम ने मोहलत ना दी और बर्क रफ्तार तलवार उसके सर पर मार दी और वह ज़मीन पर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने हाशिम का ये वार देख कर नारा तकबीर बुलंद किया और हाशिम ने लश्कर कुफर के सामने खड़े होकर कहा, ओ उमर बिन साद, तेरे बाप साद बिन वकास ने जंगे ओहद में रसूलुल्लाह का दिफा किया था। मोमिनीन और मोमिनात की दिलचस्पी के लिए मैं बता दूं कि ये हाशिम बिन उत्बा साद बिन अबी वकास का भतीजा है और इसका बाप उत्बा साद बिन अबी वकास का भाई है। जंगे ओहद में रसूल अल्लाह के दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए थे, हर मोमन और मोमना जानते हैं। जिस शख्स ने पत्थर मारा था और रसूल अल्लाह के दंदान मुबारक ज़ख्मी किए थे, वो इसी हाशिम का बाप उत्बा था। तो ये बात याद कराने के लिए उसने एक मरतबा फिर अपने चचाजाद को मुखातब किया और कहा कि तेरा बाप साद बिन वकास जंगे ओहद में रसूलुल्लाह के दिफा में दुश्मनों को तीर मारता था और दुश्मनों के शर से महफूज किया था उसने रसूलुल्लाह को, और मेरा बाप उत्बा बिन अबी वकास उसने रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक पर पत्थर मारा था और दुश्मनों की मदद की थी। आज देख अजीब हालत है कि तू उस बाप का बेटा है जो ओहद में रसूल अल्लाह के साथ था और मैं उस बाप का बेटा हूँ जो ओहद में रसूल अल्लाह के दंदान मुबारक ज़ख्मी करता है। मैं उत्बा जैसे बाप का बेटा होकर आज हुसैन की खिदमत में आ गया हूँ और तू साद इब्ने वकास जैसे बाप का बेटा होकर लश्कर यज़ीद में चला गया है। मैं तुम्हें फिर दावा देता हूँ, कहले हक की तरफ आ जाओ और रय की हुकूमत को भूल जाओ। जनाब हाशिम ने
फिर मैदान करबला में खड़े होके ये कुरान की आयत तलावत फरमाई, युखरिज अल हय्या मिन अल मैत व यखरिज अल मैत मिन अल हय। इस आयत की तफसीर में मासूम ने फरमाया है कि यहाँ जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा निकालने का मकसद यह है कि अल्लाह काफर से मोमन और मोमन से काफर पैदा करता है। ये आयत पढ़ने के बाद उमर साद को मुखातब करके कहा कि आज तुझ पर ज़ुबान रसूल लानत कर रही है और उन खयाम की तरफ देख, आज लिसान रसूल का नुमाइंदा रसूल का ये निवासा हुसैन है, हुसैन मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मुझे आफरीन कह रहे हैं। जैसे ही समान बिन मुकातल को जनाब हाशिम बिन उतबा ने कत्ल किया तो उसके साथ आए हुए फौजी मैदान छोड़कर पीछे हट गए। उसके भाई नुमान बिन मुकातल ने जब ये मंजर देखा और अपने भाई का कत्ल होते देखा तो मजीद 2000 का लश्कर लेकर आके अपने भाई के साथ आए हुए बाकी सिपाह से कहा कि बुजदिलो पीछे क्यों हटते हो, तुम इतने ज्यादा हो, वो अकेला है। तो इन लोगों ने 2000 का लश्कर लेकर साथ में वो 1000 का लश्कर, तो नुमान बिन मुकातल आ गया आप मुकाबले में जनाब हाशिम के। जब ये 3000 का लश्कर जनाब हाशिम बिन उतबा के मुकाबले में आया तो वो इस लश्कर को देखकर बिल्कुल ना घबराए बल्कि इन सब मलहूनों पर हमला कर दिया और इतनी खूबसूरत जंग की कि इनमें से बहुत सारों को घोड़ों से गिरा दिया। जिस तरफ हमला करते थे सर उड़ते हुए नजर आते थे। जंगली असूलों को मद्देनजर रखते हुए जनाब हाशिम ने इस समान के भाई नौमान का सर उड़ा दिया और इसके झंडे वाले बंदे को जाके कत्ल किया तो इनका आलम सर नगूं हो गया। जैसे ही उनका झंडा गिरा तो ये 3000 का लश्कर भी, इसमें से जो बाकी जिंदा बच गए थे, वो वापस भागना शुरू हो गए। उमर साद ने ये नज़ारा देखा तो अपने एक सिपा सालार उमरू बिन जुबैदी से कहा कि मजीद लश्कर लेके जाओ और इन लोगों की मदद करो और हाशिम को घेर लो। जनाब हाशिम बिन उतबा उस वक्त तक जंग कर करके थक चुके थे। इन हरामजादों ने आके जनाब हाशिम को घेर लिया। जब जनाब हाशिम इस लश्कर आदा में घिर गए तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ असहाब को कहा कि जाओ और जाके हाशिम की मदद करो। मौला हुसैन के वो असहाब आए जनाब हाशिम की मदद करने के लिए तो उमर साद ने 2000 का मजीद लश्कर शिमर को देकर भेजा और कहा कि हुसैन के ये सहाबी हाशिम के पास कभी ना पहुंचने पाए। उन 2000 ने आके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब पे हमला किया। इससे बहुत सारे उनके फौजी और मौला हुसैन के भी कुछ सहाबा इसमें शहीद हो गए और जनाब हाशिम भी इसी हमले में शहीद हो गए। जब जनाब हाशिम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हाशिम को उनका सर अपनी गोद में रख कर प्यार किया और मौला ने फरमाया कि वल्ला हाशिम, तूने जुबान से और हाथ से मेरी नुसरत का हक अदा किया है। मौला हुसैन के जो सहाबी इस हमला में शहीद हुए जनाब हाशिम की मदद करने के लिए जो गए थे उनके नाम हैं जनाब जुनादा बिन अल हारस अल अंसारी, जनाब उमरू बिन जुनादा, जनाब मौल्ला बिन मौल्ला, जनाब मौल्ला बिन हंजला अल गफ्फारी, जनाब जाबर बिन उर्वा अंसारी, जनाब अंस बिन माकल, जनाब अली बिन मुजहर असदी। ये भाई थे जनाब हबीब इब्न मुजाहिर के, जनाब दाऊद बिन मालक,
जनाब यजीद बिन शाशा और जनाब अबू उमरू अल सालबी। ये वो लोग थे जो मदद करने के लिए गए थे जनाब हाशिम की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से, और ये उमर साद के 2000 लश्कर ने इनको घेर कर शहीद कर दिया। आज की वीडियो में जनाब जुहैर बिन कैन, उनकी शहादत का और उनकी शुजात का तذکرہ तो आपने सुना, और मुझे यकीन है कि जनाब हाशिम बिन उतबा की शहादत जिन लोगों ने पढ़ी या सुनी है उनके लिए तो यह है कि रिपीट हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे मोमिनीन और मोमिनात इससे बहुत खुश भी होंगे और बहुत सारे हैरान भी होंगे शायद। तो करबला बस ऐसा ही मारका था कि यहाँ बहुत सारे लोग अचानक बदबख्त हो गए, और बहुत सारे लोगों की किस्मत ने यावरी की और वो सिपाही हुसैनी में शामिल हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद असहाब इमाम का तज़किरा किया जाएगा, उनकी जंग का, उनकी शहादत का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।